में सत्ता का इसका सीधे का दुरुपयोग कर रहे हैं और परेशान किया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? सीबीआई की पूछताछ सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? ऐसा तो देश में कानून है नहीं कि जब आपकी पार्टी, क्योंकि आप तो कांग्रेस पार्टी के दामाद हैं, सत्ता में रहे तो खूब पैसा बनाइए, खूब करप्शन करिए, और जब हमारी सरकार आए तो बोलिए आपके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है, विंडेटा पॉलिटिक्स है। सीबीआई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और सीबीआई का काम है कि ऐसे एक्ट्स की पूरी जांच करे, व्यक्तियों की जांच चल रही है, कोऑपरेट करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर सीबीआई जांच करती है तो आज व्यक्ति कोऑपरेट करेगा, इस तरह की बातें नहीं करेगा। इस तरह की बातें ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि लोग एरोगेंट हैं, इनको लगता है डायनेस्टी है, हमारे ऊपर कोई हिम्मत कैसे किया छू देने का, इनको ये लगता है। अरे वो ज़माना चला गया डायनेस्टी का, हर व्यक्ति यहाँ भारत का नागरिक है और गलत करेगा तो पूछताछ होगी, और अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप पाक साफ होंगे। आपको लगता है ज्यादती हो रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन जिंदा है और काम कर रहा है। इस तरह की झूठ मूठ की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लेम लगा दीजिए बीजेपी के ऊपर। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इसको फेस करें और बताएं कि कहाँ से इतना पैसा कमाएं कि नॉनो प्रॉपर्टी आपका बताइए लंदन में है, ये कौन सा बिजनेस है? हम लोग भी जानना चाहेंगे ना, हर व्यक्ति जो गरीब है उसको ये बता दीजिए तरीका, तो वो भी अमीर बन जाए। तो ये थे सुदेश वर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने कांग्रेस के वाड्रा मामले पर आरोपों में पलटवार किया। एचएस न्यूज के लिए दिल्ली से मैं राहुल चौहान।